हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप आप सभी लोग सुपर और डुपर और बढ़िया हिट होंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग 100 पाइथन प्रोग्राम्स की सीरीज़ में अगला हमारा 6th नंबर प्रोग्राम है जिसको करते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारे के सारे आप लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर और आपका जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसके अंदर आपकी जो है हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी यूं ही उठा करके नहीं करेंगे। चीज़ें बहुत ही डीप के अंदर होंगी। ठीक है, एंड यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग 100 जो है बिल्कुल हिट है जो टारगेट करेंगे। चलिए, किस्सा कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। कहता है कि राइट अ मेथड, तो आपको एक फंक्शन बनाना है पाइथन के अंदर। ठीक है, टू रीड द कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, जो उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है, xyz.txt आपकी एक फाइल है, लाइन बाई लाइन एंड डिस्प्ले द सेम ऑन द स्क्रीन। एक फंक्शन आपको बनाना है। ठीक है, उसका नाम कुछ भी है जो आप रख सकते हो। लेट सपोज आई एम गिविंग नेम टू दिस फंक्शन विच इज़ डिस्प्ले। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फाइल को सबसे पहले ओपन करना है, एंड द मोड शुड बी आर। वाई आर? बिकॉज इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बिकॉज इसने आपको रीड बोला है, और आपको एक एक लाइन उसके अंदर से निकालनी है और उसको डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पर, है ना। तो इसमें आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप रीड लाइन्स का यूज़ कर लो या फिर आप रीड लाइन का यूज़ कर लो। तो दोनों तरीकों से ही आप इस चीज़ को है जो कर सकते हो। तो इसके लिए हम अपने पाइचार्म को ओपन करेंगे। बेसिकली इसके अंदर लाइन बाय लाइन की बात हो रखी है, तो आप दोनों में से कुछ भी चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी है जो यूज़ कर सकते हो। रीड लाइन से भी ये चीज़ हो जाएगी, रीड लाइंस के साथ में भी है जो ये चीज़ हो जाएगी। इजी पड़ेगा रीड लाइंस के साथ में, क्योंकि आपका जो आंसर है वो एक लिस्ट में आ जाएगा, और लिस्ट में से कैसे आइटम्स को डिस्प्ले कराना है वो हम बखूबी जानते हैं। एक बार इसको ओपन हो जाने दो, उसके बाद में हम इसके अंदर से चीज़ें करते हैं। यस, बाय द टाइम कि ये ओपन हो रहा है, आप लोग इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। एक एक चीज़ हम लोग इस चैनल के ऊपर कर चुके हैं, बस आप देखने वाले बनो, है ना। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये वाली चीज़ करा दो, वो वाली करा दो। एवरीथिंग डन, सब कुछ डन हो चुका है। एक बार चैनल को जाकर के विजिट तो करो कम से कम, है ना, तभी तो चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, सो हम अचानक से कोई वीडियो देख करके नहीं बोल सकते कि मैम ये बात पढ़ा दो, या वो हो चुकी हैं चीज़ें। सो चेक आउट द चैनल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट का एको करना करने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बना लो। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या नाम था फाइल का, सो आप वैसे कोई भी नाम है जो दे सकते हो। सो मैंने xyz.txt दे दिया, बट मुझे नहीं लगता ये फाइल होगी शायद, है ना। ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं, अदर दे देते हैं, क्योंकि ऊपर मेरे को दिखाई दे रही है अदर। ठीक है, बट आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। आर मोड इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं दिया तो भी चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले वाले तरीके से सारा जो फाइल का डेटा है उसको रीड लाइंस कर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 4in डेटा, एक एक लाइन इसके अंदर से मैं रीड कर लूँगी। ठीक है, ओके, सो एक एक लाइन रीड हो जाएगी। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, पहले चेकआउट कर ले कि अदर्स में क्या पड़ा हुआ है, अदर के अंदर कुछ कुछ पड़ा हुआ है तो आपके पास में आपकी फाइल आपने बंद करनी है। ठीक है, सो ये डेटा आ गया। अब इसमें से एक एक लाइन जो आपको डिस्प्ले हो रही है फालतू की, उसके लिए आप एंड इज इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हो, दैट यू नो गाइज। ओके, सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू डिस्प्ले। अब मैं ये बता देती हूँ कि अगर हमें रीड लाइन का यूज़ करना होता तो क्या कर रहे होते, तो अपने ऐसा करते, वाइल ट्रू, एक इन्फिनिटी लूप चला रहे होते। ठीक है, और उसके अंदर हम इफ अगर कहते कि हमारा जो डेटा है वो खाली हो चुका है, मतलब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो आप ब्रेक मार के बाहर आ जाओ। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज हम प्रिंट डेटा को प्रिंट कर देते।
तो ये भी एक तरीका हो जाता हमारी फाइल से डेटा को फैच करने का, ठीक है? सो ऐसे भी हम लोग बेसिकली कर सकते थे, राइट? तो ये दोनों तरीके हो गए हमारे पास में हमारी फाइल के अंदर से लाइन बाय लाइन डेटा को एक्सेस करने के। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? सो चल के फिर, बाय बाय।